इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को लेकर के बहुत सारे लोगों का क्वेरी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आते हुए दिखा है कि सर आखिर आप इस स्टॉक को लेकर के क्यों बुलिश व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज शेयर करें। तो इस स्टॉक को लेकर के मेरा बुलिश व्यू होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस स्टॉक का अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो लगभग 25% तक का करेक्शन पिछले 3 महीने में होते हुए दिखा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक ने लगभग 550% तक के रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड का सबसे बड़ा एक कॉर्पोरेट कारण रहा था कि आईडीबीआई ट्रस्टी ने इस स्टॉक को डंप किया था, उसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट रही थी। टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के व्यू इस समय बुलिश बन रहा है और लगभग 30-40% तक के इंक्रीमेंट टेलीकॉम सेक्टर के सभी स्टॉक में आपको दिखने वाले हैं। जीटीएल इंफ्रा की बात रही तो अभी हमने ट्राई के तरफ से न्यूज सुना कि स्पेक्ट्रम बैंड इंक्लूडिंग 5G को लेकर के जो प्राइस डिस्काउंट है लगभग 40% तक हो सकता है। और 3 बड़े प्लेयर हैं इस समय देखेंगे मार्केट के अंदर, अगर बीएसएनएल को हटा दे तो एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया। मेन टेलीकॉम सेक्टर का लड़ाई एयरटेल और जियो को लेकर के है 5G को लेकर के। और 3 जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, HFCL, TTML और GTL इंफ्रा। आपको शायद पता हो कि जियो के जितने जियो और एयरटेल ये खुद के टावर्स नहीं लगाते, इनका टावर जो है इनके जो भी आर्म्स हैं जीटीएल इंफ्रा, HFCL, TTML जैसे कंपनियां लगाने का काम करते हैं। और जियो का लगभग जितने भी टावर है उसका देखरेख और काम करने का कार्य जीटीएल इंफ्रा को सौंपा गया है। लगभग मोर देन 1 लाख+ टावर्स लगने हैं, लेकिन इनिशियल फेज में अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 25-30,000 के आसपास का टावर सियोरली लगने को दिखेगा और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको जीटीएल इंफ्रा पे दिखने वाला है। दूसरी बात, जीटीएल इंफ्रा में आप देखेंगे तो डीआईएच की होल्डिंग काफी बेहतर है और लगभग डीआईएच की होल्डिंग आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस स्टॉक में लगभग मोर देन 50% के आसपास का है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है शेयर होल्डिंग के पैटर्न से। तो पर्सनली ये कुछ कारण है जिस कारणों से इस स्टॉक में मैं 5+ तक का टारगेट सियोली 6 मंथ में देखता हूं और 5% तक का रिटर्न मोर देन 300% तक का रिटर्न इस स्टॉक में होता है, नॉट बैड। लेकिन फंड एलोकेट करने का एक आप समझे कि कितना आपको रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आपको फंड इन्वेस्ट करना है, बल्क बाइंग नहीं करें। हालांकि कुछ क्वांटिटी सियोरली आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते।